हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सुपर प्लम्बिंग के ऊपर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्लश टैंक कैसे फिट की जाती है, बट NRV को हमने यहाँ पे नहीं दिखाया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है फ्लश टैंक, यहाँ पे देख सकते हैं पानी लीकेज का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है NRV का है, बट यहाँ पे जो NRV है वो ख़राब नहीं हुआ है। क्या हो रहा है, ओवरफ्लो होने की वजह से जो है यहाँ पे पानी लीकेज हो रहा है। अब ओवरफ्लो क्यों हो रहा है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पानी को पूरी तरीके से फ्लश कर चुका हूँ। यहाँ पे वॉल ओपन करने के बाद भी जो है पानी नहीं रुक रहा है। तो यहाँ पे आप एक नट जो देख रहे हैं, यहाँ पे छोटे स्क्रीन में भी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नट जो है ये पूरी तरीके से लूज़ है। यहाँ पे ऊपर करने के बाद भी लॉक नहीं बैठ रहा है। तो हमें क्या करना है, जस्ट ये 50-50 यानी 50 आगे और 50% पीछे जो है हमारे को नट को सेट करना है। जैसे ही हम यहाँ पे 50% करेंगे तो फ्लश टैंक जो है, देख सकते हैं आप यहाँ पे NRV अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे 50% जो है अभी यहाँ पे टैंक भरने के बाद ऑटोमेटिक जो है वो पानी आना बंद हो जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस है दोस्तों, ये नया ही फ्लश टैंक है। तो यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम की वजह से ऊपर की जो टैंक होती है हमारे घर की, वो पूरी तरीके से खाली हो रही थी, बट ये प्रोसेस करने के बाद जो है ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। तो चलिए मैं आपको और एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, 50% यहाँ पर जो है टैंक को जो है हम रखेंगे नट को, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये 50% टैंक भरने के बाद जो है ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे पानी आना रुक गया है। तो हम थोड़ा सा और ओपन करेंगे ताकि ये जो है 70% जो है टैंक हमारा भर सके। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ओवरफ्लो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे हाफ 50% 60% जो है यहाँ पर जो है टैंक भर चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो पानी जो आ रहा था साइड में, वीडियो में भी आप देख सकते हैं, तो ये पानी जो है पूरी तरीके से अब यहाँ पे रुक चुका है। तो बस इतनी छोटी सी सिंपल जो है प्रोसेस आप करने के बाद जो है यहाँ पे आपका जो भी फ्लश टैंक का इशू था, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 80% पर सेट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 80% करूँगा तो यहाँ पे टैंक जैसे 80% भर जाएगा तो टैंक टोटली जो है पानी आना बंद हो जाएगा। ये बॉल जो है ये ऊपर आ गया, देख सकते हैं आप, मैंने मैन्युअली ऊपर लिया तो यहाँ पे पानी आना बंद हो गया। इस तरीके से ही आप जो है दोस्तों यहाँ पे लीकेज बंद कर सकते हैं। साइड में वीडियो में भी आपने देखा लीकेज कैसे हो रहा था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो।